हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू गाइस। आई होप आप सब लोग अच्छे हैं और आपके टर्टल्स भी हेल्थी हैं। तो फ्रेंड्स, जो मेरी आज की वीडियो है उसका आपको टाइटल पढ़ के तो पता लग ही गया होगा कि दिस इज़ ऑल अबाउट द वायरसेस विच आर स्प्रेडिंग, और जिससे हम बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो चुके हैं, क्योंकि हमारी जो डेली लाइफ है, जो हमारी डेली रूटीन्स हैं, दे ऑल आर इंटरप्टेड बिकॉज ऑफ दैट। तो इवन की सो मेरी आज की जो वीडियो है इसी टॉपिक के रिगार्डिंग है, और उसकी वजह से जो हमारे एनिमल्स इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, हाउ यू कैन सेव दैम, सो दिस इज़ ऑल अबाउट। एंड अदर देन दैट, जो मैं आपको अपने पॉन्ड का अपग्रेड देना चाहता हूँ, आप देख सकते हैं कि जो मेरा पॉन्ड है दैट इज़ टोटली फंक्शनिंग राइट नाउ, एवरीथिंग इज़ इंटैक्ट। सो लेट मी फर्स्ट शो यू माई पॉन्ड। तो आप, मैं थोड़ा सा दूर जाकर आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा लग रहा है। सो अभी आप देख सकते हैं कि मेरे जो गार्डन में जो मेरा पॉन्ड है, आप कि कैसा लग रहा है, बिल्कुल मैंने जो फेंस है उसको ग्रीन करवा दिया प्रॉपर। आप देख सकते हैं कि ये पहले जो इसको रस्ट वगैरह का था, बट नाउ दिस इज़ टोटल ग्रीन। और मैंने ग्रीन इसलिए करवाया बिकॉज ग्रीन इज़ द कलर ऑफ मदर नेचर। सो ग्रीन की वजह से तो एनिमल्स को भी थोड़ा उनको इतना ऑब्स्ट्रक्टिंग नहीं लगता, क्योंकि जैसे ये जो है यहाँ पे ये मैश है, बट जैसे मैंने ग्रीन करवा दिया तो इतना पता भी नहीं लगता कि दिस इज़ देयर, बट स्टिल इट इज़ बैरिकेटिंग। तो आप देख सकते हैं कि ग्रीन इज़ टोटली ग्रीन, एक बिल्कुल नेचुरल आउटलुक देखता है। तो मैंने पूरी की पूरी फेंस को ग्रीन करवा दिया है। सो अदर देन दैट, ग्रीन मैचेस विद द एनवायरनमेंट। सो राइट नाउ फेंस का काम तो प्रॉपर कंप्लीट करवा ही दिया था। उसके अलावा आई हैव प्लांटेड द प्लांट्स, वाटर प्लांट्स, जो मैंने कुछ नए प्लांट्स लगाए थे वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से चल रहे हैं। उनको मैंने रीलोकेट किया था, कुछ मैंने प्लांट्स को स्ट्रीम के अंदर लगाया था। आप देख सकते हैं कि ये जो प्लांट्स हैं वो स्ट्रीम के अंदर लगे हुए हैं। तो जैसे कि पानी जो मेरे पॉन्ड के अंदर फ्लो करता है, जैसे जैसे स्ट्रीम के अंदर मूव करता है, तो प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो वाटर को एकदम रीज्यूविनेट करती हैं और फ्रेश करती हैं, उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड होती है। तो जो फिश होती है उनको काफ़ी हेल्दी एनवायरनमेंट मिलता है, टर्टल्स को भी एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है। इससे उनको कोई स्किन का इशू नहीं आता, कोई आई की इन्फेक्शंस नहीं होती मेरे एनिमल्स को, एंड दे कैन गो ऑन विदाउट दीज ऑल सच टाइप ऑफ डिजीजेस। सो दिस क्रिएट्स एन हेल्दी इकोसिस्टम, आप देख सकते हैं। सो मैं आपको दिखाता हूँ हाउ डज इट लुक्स। मिनी स्ट्रीम भी काफ़ी अच्छी चल रही है, आप देख सकते हैं कि पानी जैसे ऊपर से फ्लो करता है तो इट लुक्स सो ब्यूटिफुल, एंड द वाटर गेट्स क्लीन एंड क्लीन। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ फिल्ट्रेशन, दिस इज़ नेचुरल फिल्ट्रेशन। कुछ लोग मुझे कमेंट डाउन करके पूछते हैं कि भाई आपने फ़िल्टर्स कहाँ पे लगाए हुए हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि मेरा पॉन्ड है और इसको, इसमें पानी बहुत ज़्यादा है, तो मैं इसको चेंज तो रोज़ रोज़ कर नहीं सकता। आई जस्ट चेंज इट वंस एवरी 3 to 4 months, और मैं वो भी नहीं चेंज करता कई बार तो। और आप देख सकते हैं कि जो प्लांट्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट्स की ग्रोथ का आपको बताता हूँ। आप देख सकते हैं कि दे आर नियरली 3.5 to 4 feet टॉल राइट नाउ, बट ये और बड़े होंगे, तकरीबन 7 to 8 feet ये ग्रीन लश होगा इनका प्रॉपर। और जो मैंने प्लास्टिक मैट्स लगाए थे वो आर्टिफिशियल हैं, बट क्योंकि वो एक नेचुरल लुक दे रहे हैं, तो आर्टिफिशियल और नेचुरल एक बहुत बढ़िया कम्बिनेशन सा बन गया है, एंड दिस क्रिएट्स अ रियली प्लीजेंट एनवायरनमेंट फॉर माई टर्टल्स, आप देख सकते हैं। और फिल्ट्रेशन का जहाँ तक सवाल है, तो आप देख सकते हैं कि ये एक वाटरफॉल ही नहीं है, दिस इज़ अ काइंड ऑफ बायो फिल्ट्रेशन। इसके अंदर प्रॉपर वॉल्व लगे हुए हैं, मैं इनको बैक फ्लश करता हूँ एवरी डे इन द इवनिंग। इट टेक्स नियरली 10 to 15 minutes, और मेरा फिल्टर पूरा क्लीन हो जाता है, तो इससे मेरा पॉन्ड बिल्कुल क्लीन रहता है, एंड दिस इज़ ऑल। और जैसे कि जो अभी ये जो मेरा सारा सेटअप है, इसमें मुझे एक और एडवांटेज है, वो ये एडवांटेज है कि जैसे आजकल जो सिचुएशन चल रही है, दैट वी आर नॉट वी आर रिस्ट्रिक्टेड इन आर होम्स, वी कांट गो आउट। सो इस सिनेरियो में अगर हमारे पास फिशेज हैं या एनिमल्स हैं, अगर उनकी हमारे पास फीड नहीं है, तो हम उनको क्या फीड करेंगे, मुझे उसकी भी कोई चिंता नहीं है, बिकॉज दिस इज़ अ नेचुरल इकोसिस्टम फ्रेंड्स। इसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ मॉलीज हैं, दूसरी फिशेज हैं, टर्टल्स हैं, तो बिकॉज ऑफ द एल्गी ऑल्सो द फिश ईट एल्गी एंड प्रोड्यूस लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ बेबीज। द टर्टल दे ईट फिश, अदर देन दैट वो प्लांट्स उनको च्यू कर देते हैं, तो इस तरह उनको एक नेचुरल फूड मिलता है। दे कैन ईट फ्रॉग्स ऑल्सो, दे कैन ईट स्मॉल इंसेक्ट्स ऑल्सो। अदर देन दैट, मेरे पॉन्ड में कुछ मेरे गार्डन के अंदर कुछ फ्रूट ट्रीज हैं, तो जो उनका फ्रूट फॉल ऑफ करता है मैं पॉन्ड के अंदर फेंक देता हूँ, सो दे गेट द नेचुरल फूड माई टर्टल्स, दे लव दैट। अदर देन दैट फ्रेंड्स, यू वोंट बिलीव, माई टर्टल्स दे डू हंट पिजन्स ऑल्सो। जो पिजन्स कई बार इसके अंदर जो पॉन्ड की कई जो किनारों पर बैठे होते हैं, तो दे डू हंट समटाइम्स।
So I don't have to worry for that. So if I'm outside for nearly 2 months, I'm out of station or I'm out of country, so I don't have to worry for my animals. They can survive on their own because this is a complete natural setup, self-functioning. All I need is just the electricity, because I need to, you know, move the water. That's it, nothing more than that. Or friends, abhi aap logo ke paas jo like animals hain ya turtles hain, agar unka feed kam ho gaya hai, to what you have to do is like, please try to feed a little. Like jaise jo turtles hote hain, agar unko aap zyada khana daloge to usse koi farak nahi padega, agar kam bhi daloge to bhi koi farak nahi padega. To agar aapke paas khana kam hai aur aap ghar se bahar nahi ja sakte, तो आप क्या कर सकते हो, आप उनको कम खाना डालें, उससे वो मरेंगे नहीं. वैसे भी जो हमारे टर्टल्स होते हैं उनके अंदर लाइक उनकी बॉडीज़ के अंदर हम उनको ज़्यादा फीड करते हैं एज़ कम्पेयर टू वाइल्ड, तो उनके फैट अक्यूमुलेट हुई होती है. तो दिस इज़ द गुड चांस फॉर यू कि वो जो फैट, एक्सेसिव फैट है, दैट इज़ नॉट गुड फॉर देम ऑल्सो, तो आप वो कम होगी. एंड इफ़ योर टर्टल इज़ स्टिल हंग्री एंड ही नीड्स फूड, आप क्या कर सकते हैं, उसको दिन में एक बार खाना डालें और कम खाना डालें. Other than that, if your turtle is just feeding on pellets and not eating anything else, this is the best opportunity for you guys. आप क्या कर सकते हैं, आप अपने कछुए को या आप अपने लाइक उनको ग्रीन वेजिटेबल्स चॉप करके डाल सकते हैं. कोई भी ग्रीन वेजिटेबल, लीफी वेजिटेबल्स आप डाल सकते हैं थोड़ा सा. अगर वो खाता है तो फिर उसको लाइक धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी उसकी. और इससे क्या होगा कि जो हमारे जो लॉकडाउन की सिचुएशन है, आपको घर के बाहर नहीं मूव करना पड़ेगा. एंड अदर देन दैट फ्रेंड्स, अगर आपके टर्टल्स जो हैं उनको लाइक कोई प्रॉब्लम है या कोई इलनेस है, उसके रिगार्डिंग आप नीचे कमेंट करना मेरी वीडियो के. जो होम रेमेडी होगी मैं आपको ज़रूर बता दूंगा, ताकि आपको लाइक बाहर ना जाना पड़े और आपका जो कछुआ है वो ठीक हो जाए और आपको इतनी ट्रबल ना हो. अदर देन दैट फ्रेंड्स, अगर आपको और भी कोई क्वेरी है तो यू आर मोस्ट वेलकम एंड आई एम देयर टू हेल्प यू गाइज. And I hope जो मेरी आज की वीडियो है, this was on the issue of viruses which are spreading, because now the message in the video today is, because like हम लोग नेचर को वैल्यू नहीं करते, we always keep on you know moving against the nature. If we move with her ना, she will always benefit us, but this virus is created by humans, so हम लोग खुद ही हैं इसके originators and we have to bear the consequence. And even जो हमारे pets हैं, they also have, and street dogs and all, they are going to like, उनको तो खाने को भी अभी कुछ नहीं मिलेगा, because human population, we are so restricted in our homes. I hope कि जो हमारे जो next future है, जो हमारा ये next weeks, ये we are not influenced much, at least India को like थोड़ा सा, तो I hope कि हम लोगों को इतनी जो ट्रेजेडी, जो सिचुएशन बनी हुई है, हम इससे सेफली इसके बाहर आ जाएं और वी आर सेफ इनफ. एनीवेज फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो. इफ़ यू लाइक माय चैनल एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियोस, देन डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. एंड फॉर द फ्यूचर आई विल डेफिनेटली अपलोड द न्यू वीडियोज वेयर आई विल टेल यू अबाउट लाइक वॉट टू फीड इन समर्स टू योर टर्टल. तो अभी आपको एक बार पॉन्ड दिखा देता हूँ अपना, आप देख सकते हैं कि ये कितना सही लग रहा है. रात को तो वैसे बहुत सुंदर लगता है. तो वेन एवर आई गेट फ्री टाइम, आई ऑलवेज सिट अराउंड माई पॉन्ड एंड वॉच, एंड बिकॉज दिस इज़ माई हॉबी एंड आई लव इट. एनीवेज फ्रेंड, आई होप यू लाइक एंड डू हिट द लाइक बटन. थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच.